पिछली बार रीज ने उस एंड्रॉइड को ठीक किया और जैसे उसका सर सीधा हुआ, जोनाथन को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे याद आया कि सेठ ने उसके दिमाग से डेटा चोरी किए और वो चल पड़ा जीटा पॉइंट की ओर। उसे अपनी मेमोरी चाहिए थी। इधर भी डॉक्टर जी से वो टापू हड़पने के चक्कर में था और उसने डायनासोर का एक्सट्रीम एवोल्यूशन भी कर लिया था, मगर हम उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? डी टीम आ गई है डायनासोर को बचाने और शायद दुनिया को भी। उसने मुझे धोखा दिया और फिर मुझे चैलेंज करने की हिम्मत भी की। अब वो मुझसे नहीं बच सकता। हाँ, मगर वो तो निकल चुका है दादू, और आपको उसके बारे में पता भी नहीं लगा। निकल तो चुका है, मैं सबका भरोसा कर लेता हूँ। मुझे अपनी गलती याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉड। डॉक्टर जी, अब वो क्या कर रहा है? लैब में वो उसी पेट्रीफाइड टिरेनोसॉरस फॉसिल से खेल रहा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। अब क्या बताए, वो इतना खोया था कि उसे पता भी नहीं लगा कि हम जासूसी कर रहे हैं। डॉक्टर जी, सच कहूँ तो यही वक्त है टूट पड़ने का। अब आप क्या सोच रहे हैं दादू? हमला करो, आज उसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। हो गया, जिंदा हो जाओ, हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, डायनासोर इवोल्यूशन के इतिहास में। सुनो धोखेबाज, जेटा पॉइंट मेरा टापू है और मैं वो सब नहीं सह सकता जो तुमने किया है। तुम तो गए काम से। ये क्या है? इतना कचरा, हम कचरे के ढेर में गिरे हैं। किसकी वजह से यहाँ पहुँचे हैं हम? सोच कर बताती हूँ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह वो है जिसके नाम में है सर। तुम्हारा मतलब मेरी वजह से गिरे हैं? नहीं, शायद और की वजह से। एक बार फिर से ये जेटा पॉइंट के सिग्नल ब्लॉक हो गए हैं। तब तो हमें घूमते टारगेट का पता लगाने में बहुत परेशानी होगी। दादू और बाकी सब ठीक तो होंगे ना? उनकी फिक्र मत करो लॉरा, रॉड है ना उनके साथ, रॉड उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा। शायद कुछ भी नहीं होगा। मुझे बचाना है, पर किससे? तुम ये क्या कह रहे हो जोनाथन? जब तुम मुझे जानते भी नहीं हो तो फिर मुझे बचा क्यों रहे हो? रेक्स, कोई प्रॉब्लम है? अभी नाटक करना बंद करो और मुझे बताओ असल में तुम कौन हो। मेरा सिर सीधा हो गया है तो मुझे कुछ बातें याद भी आने लगी हैं। मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करने वाला एक बटलर था। और एक बटलर होने की वजह से उन्होंने मुझे ऑर्डर दी थी कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं और तुम्हारा ध्यान रखूं, मास्टर रेक्स। मेरी हिफाजत? पूरी बात बताओगे क्या? मैं आज से करीब 100 साल बाद के समय से आया हूं। अगर सच कहा जाए तो मैं यहाँ फ्यूचर से आया हूँ। ये भी बता दूं कि मिस लॉरा भी यहाँ फ्यूचर से ही आई हैं। क्या सच्ची? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक टाइम मशीन से आए थे। क्या? क्या तुम मजाक कर रही हो? जेटा पॉइंट असल में एक टाइम मशीन ही है। हम जिस टापू पर थे वो? बड़ी अजीब बात है, फ्यूचर से आए हैं मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, आखिर हो क्या रहा है? मास्टर रेक्स, तुम्हारे डैड डायनासोर रिसर्च के बहुत मशहूर एक्सपर्ट है और उनका नाम है डॉक्टर एंशियंट। तुम्हारी मम्मी भी उनके साथ ही काम करती हैं और उनका नाम है डॉक्टर क्रिटेशिया। तुम्हारा मतलब है कि दोनों पेलियंटोलॉजिस्ट हैं? हाँ, दोनों।
अब मुझे पूरी बात याद आ रही है, तो मैं शुरू से ही सब कुछ बताता हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब तुम्हारा जन्म होने वाला था मास्टर एक्स। ये बात है 2126 की, और डॉक्टर एंशियंट अपनी टीम के साथ क्रिटेशियस पीरियड की एक आर्कियोलॉजिकल डिग साइट पर काम कर रहे थे जब उन्हें मिट्टी के नीचे एक बड़ी अजीब सी चीज मिली। हाँ? ये तो एक लिथोग्राफ लग रहा है। वो एक ऐसी खोज थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। हाँ? ये क्या है? ये आवाज तो हमने भी सुनी थी, है ना? कमाल है, तुम्हारा मतलब इससे है? हाँ, मगर ये तो डॉक्टर एंशियंट को मिले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भर है। असली पत्थर के टुकड़ों में 6 अलग अलग एलिमेंट थे, उनके बीच में एक सेंटर पीस था जो उन सबको जोड़े हुए था। मतलब उसमें कुल मिलाकर 7 पीसेस थे। मतलब अभी कई और भी बाकी हैं। हाँ, मगर इस पत्थर का मतलब क्या था? हम काफी समय से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और अब जाकर हमें पृथ्वी पर चैन से रहने का मौका मिला है, मगर एक बार फिर से हमें डर लगने लगा है। कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया, तो आसमान, समंदर, धरती, जीव कुछ भी नहीं बच पाएंगे। प्लीज हमें बचा लो। हमारी मदद करो, हमें बचा लो प्लीज। हाँ, कहीं ये डायनासोर्स तो नहीं है? ऐसा लग रहा है। कहीं ये आवाजें खत्म हो रहे उन सारे डायनासोर्स की तो नहीं है? हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। दोनों तैयार हो गए कि वो डायनासोर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और वो फौरन हरकत में आ गए। उस पत्थर के अंदर जो पावर थी उसके बारे में उन दो साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था। कई टेस्ट करने के बाद उन्हें पता लगा कि वो उस पावर से टाइम मशीन बना सकते हैं। उससे वो वक्त में आगे पीछे जा सकते हैं। क्या? उन्हें लगा कि अगर वो डायनासोर के जमाने में पहुंच गए तो उन्हें बचा सकते हैं। इस बात से वो बहुत खुश थे और एक टाइम मशीन बनाने लगे। फिर एक साल बाद क्रिसमस के दिन वो टाइम मशीन अपने पहले सफर पर जाने को तैयार थी। मैंने सफर के लिए जरूरी सामान पैक कर लिया। उस प्रोजेक्ट में उनके साथ थे उनके गिफ्टेड असिस्टेंट सेथ, और उनके साथ दूसरे पेलियोन्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जी, और उनके 3 असिस्टेंट्स हेल्गा उनकी मेड, और डॉक्टर जी के 2 छोटे ग्रैंड चिल्ड्रेन, क्योंकि वो भी उस शानदार सफर पर जाने की जिद कर रहे थे। हम जोश से भरे थे और उस टाइम मशीन में सवार हो गए। उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और हम चल पड़े डायनासोर के जमाने में। रुको रुको, एक बात बताओ। क्या? रेक्स कहाँ था? हाँ, कहाँ था? डॉक्टर क्रिटेशिया यानी तुम्हारी मम्मी को उस वक्त नहीं मालूम था कि मास्टर रेक्स उनके पेट में है। उस वक्त तुम पैदा नहीं हुए थे। बड़ी अजीब बात है। और तुम लोग डायनासोर एज में पहुंच गए? हाँ, हम वहाँ सही सलामत पहुंच गए। हम वही थे और साइंटिस्ट्स अपनी रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह से जिंदा डायनासोर को कार्ड में बदलना सीख लिया था। हमने कर लिया क्रिटेशिया। हाँ, वाकई कर लिया। चलो जश्न मनाए। उस डिवाइस की मदद से वो डायनासोर्स को खत्म होने से पहले ही अपने घर तक भेज सकते थे। उन्होंने अलग अलग उम्र के डायनासोर्स को कार्ड में बदल दिया। तभी एक मुसीबत आई। बन गया, मेरा मूव कार्ड बन गया। इस बात पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो डायनासोर्स और भी ताकतवर हो जाएंगे। कमाल कर दिया आपने। एंशंट बेवकूफ है। क्या हो रहा है यहाँ? जल्दी से ये सब बंद करो, जल्दी। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे बस। मैं आपके लिए चाय लाऊं, साथ में चने खाएंगे डॉक्टर? आइए ना, आइए आइए। पहले तो ये देख लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं डायनासोर्स को कार्ड में बदल दूंगा, फिर मैं बनाऊंगा अपना डायनासोर किंगडम। और
डायनासोर किंग। डॉक्टर जी की इस हरकत से हमारा काम रुक गया था। डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर जी में कभी नहीं बनती थी। हमें 2 महीने में ही कार्ड कन्वर्जन कर लेना था, मगर 6 महीने बाद भी सिर्फ 10% ही काम हो पाया। डॉक्टर जी की उस बेवकूफी की वजह से हमारे सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। क्या? रितेशा, क्या बात है? बच्चा, वो शायद दुनिया में आना चाहता है। जल्दी जल्दी। हाँ रेक्स, तुम जल्दी से जल्दी हमारे पास आना चाहते थे। तुम देख रहे हो वो कैसे किक कर रहा है? लगता है फुटबॉल प्लेयर बनने वाला है। डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया चाहते थे कि वो फ्यूचर में वापस जाकर ही बच्चे को दुनिया में लाए और घर से ही अपना काम करें। मगर जब इसका सबको पता लगा, हम वापस नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे। नहीं, वापस जाने का मतलब है मुसीबत। वापस लौटते ही एंशिएंट सबसे पहले तो मुझे और तुम सबको लात मारेगा। हमने उनके साथ जो किया उसके बाद लात तो पड़ना बनता ही है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मिल गया उपाय। अगर टाइम मशीन खराब हो जाए तो हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। और इस तरह उन्हें पता लग जाएगा कि आपने ही कुछ किया है। तो अलर्ट, सिस्टम फेलियर। अलर्ट, सिस्टम फेलियर। कंट्रोल डेटा डिलीट कर दिया। कमाल है। तो इसका मतलब सेठ और डॉक्टर जी ने अपनी ही टाइम मशीन खराब कर दी। बिल्कुल ठीक कहा जोई, और उसकी वजह से हम क्रिटेशियस पीरियड में ही फंस गए थे और वहीं मास्टर रेक्स का जन्म हुआ था। तुम्हें देख कर ऐसा लगता तो नहीं कि तुम 6.5 करोड़ साल के हो। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे मॉम और डैड बहुत खुश थे। वो जानते थे कि बड़े होकर तुम भी डायनासोर से बहुत प्यार करोगे। उन्होंने उसी वक्त ये हार तुम्हें पहना दिया था। तो ये उन्होंने मुझे पहनाया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही बेबी रेक्स हो। उस वक्त एंशिएंट्स ने मुझे चुपचाप अपने पास बुलाया। क्या? वो समझ गए थे कि खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर मास्टर रेक्स की रक्षा करूं। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा खतरा हो तो तुम इसे लेकर हमारी दुनिया में चले जाना। और जल्द ही उनका डर सच भी हो गया। मैं नहीं चाहता कि वो मशीन की मरम्मत कर पाए। अगर मशीन ठीक हो गई तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मेरे पास एक प्लान है। क्या? उसने तो और भी खतरनाक प्लान बना रखा था। मशीन की मरम्मत पूरी हो गई तो हम उसे फाइनल ड्रॉप टेस्ट के लिए ले गए। मुझे अभी डायनासोर्स के इस जमाने में बहुत काम करने हैं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अकेले ही जाओ। जाओ। ये तुमने क्या किया? अरे नहीं, रेक्स उसके अंदर ही है। इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। से जाने मत तेरा से। रेक्स, ये सब अल्फा गैंग की वजह से हुआ है। बहुत बुरा हुआ। मगर मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता। मेरे मेमोरी बैंक में जो कुछ भी था वो सब मैंने बता दिया और कुछ नहीं जानता। क्या? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं है और उन्हें ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मत भूलना मैक्स और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं नहीं जानती थी कि दादू और सेठ ने ऐसा कुछ किया है। आंखें खुलने पर हम इसी टाइम पीरियड और टापू पर थे, मगर हमें पता ही नहीं था तुम्हारे मॉम डैड कहाँ गए हैं।
ये कितनी अजीब बात है कि करीब 12 साल पहले डॉक्टर ओवन को रेक्स मिला था न्यूयॉर्क सिटी में। जानती हो, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो, डॉक्टर जी तो दिमाग से पैदल हैं, मगर सेठ ने ये सब क्यों किया? मैं जानता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। वो उन डायनासोर को री इंजीनियर करना चाहता है और ऐसा करके वो नई स्पीशीज बनाना चाहता है डैड। हो सकता है, मैं नहीं जानता कि सच क्या है और ये बात शायद कोई नहीं जानता, मगर सेठ हमेशा चुप चुप सा रहता था और वो हमसे या एंशिएंट से दूर ही रहता था। हाँ, डॉक्टर एंशिएंट इस बात से नाराज भी होते थे। वो हमेशा सेठ को अकेले अकेले काम करने की वजह से डांट भी भरते थे। अच्छा, एक बार तो मेरे सामने भी डांटा था। हाँ। तुमने मुझे बताए बिना डायनासोर डीएनए को मैनिपुलेट करने की हिम्मत कैसे की? मुझे ये बर्दाश्त नहीं, हद कर दी तुमने। हम इवोल्यूशन के इतिहास पर काम कर रहे हैं, इंसान को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसकी आंखों में मुझे शैतानी नजर आ रही थी। मुझे उसी वक्त समझ लेना चाहिए था कि उसके इरादे ठीक नहीं है। कोई बात नहीं लौरा। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। जब अपनी तारीफ खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। तुमने जो किया है उसका अंजाम अब और बुरा होने वाला है। टैंक दिखा दो अपना कमाल। अल्फा स्लैश साई चाइनिया, खत्म कर दो सबको। जो भी सामने आए उसे खत्म कर देना सौरव फैगन एक्स। अपना कार्ड भी निकालो। ठीक है। Go, Ambulosaurus! Aqua Vortex! Kar diya humne! Fire Scorcher! डॉक्टर, मेरे सामने जो आएगा उसका क्या अंजाम होता है? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं। बैठ जाओ। हेल्गा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? बैठ जाओ। जल्दी आओ हेल्गा। तुम लोग अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे हेल्गा। इसे और तेज नहीं चला सकते क्या? बहुत भूख लगी है। खाना खाओ। तुमने मेरा घर उजाड़ा है, अब देखो मैं उसका बदला कैसे लेती हूँ। अभी अभी रेडार पर जेटा पॉइंट दिखा है। वो कैसे दिखा? और एक उड़ने वाली चीज इधर ही आ रही है। आज के लिए इतनी खुराक काफी है। सबसे पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी। रॉड, सब ठीक है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे नहीं दादू। मैंने तुम तीनों को मदद के लिए नहीं बुलाया था। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपना डायनासोर किंगडम बनाकर उसका डायनासोर किंग बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ। आप अभी तक उसी बात पर अटके हुए हैं। चलो यहाँ से। थैंक्स स्पाइनी। तुम्हें नहीं बुलाया था तेरे। मैंने टैंक और स्पाइनी को नहीं बुला... दादू, अब वो आपका काम नहीं करेंगे। टैंक और स्पाइनी वैसे ही थक गए हैं। वो थक गए तो मैं क्या करूं? वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। दादू, मैं आपकी पूरी कहानी जानती हूं। वही जो आपने और सेठ ने मिलकर रेक्स के मॉम और डैड के साथ किया था। ऐसे? अब आप ही बता दीजिए आपने क्या किया था। मैंने वो
मत करो, मेरी दाढ़ी छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? एक डायनासोर दिखा है। कहाँ पर दिखा है? मैंने कर दिया, मेरा ब्लैक टीरेक्स तैयार है। अभी भी हमें एक डायनासोर कार्ड नहीं मिला है। हमारे पास अभी 36 कार्ड्स हैं, मगर एक कार्ड मिलना बाकी है। सेठ, हम तुमसे कार्ड छीनने आ रहे हैं। King is your destiny, yeah. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on, make your move.